केटीएम या डोमिनार कौन सी गाड़ी लूं बताओ फटाफट कमेंट करके, तो देखते कमेंट भर दो केटीएम लूं या डोमिनार लूं। भाई बुलेट छोड़ो पल्सर ले लो 150 180, ठीक है। एक भाई ने लिखा है भाई 350 ले लो, एक भाई ने लिखा है भाई आप जो है ना डोमिनार ले लो। ये देखिए आम कितना अच्छा आम लगा है, पता नहीं कौन कौन सा आम है मेरे को तो नहीं पता, ये देखो पूरा लगा हुआ है अच्छा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सबका एक न्यू फ्रेश वीडियो में। तो कैसे हो आप सब, ठीक हो? वैसे आपको बता दूं कि जावेद व्लॉगर मैंने चैनल का नाम कर दिया है जावेद व्लॉग से, और आपने अभी देखी है हरी भरी हरियाली, और ये देखो आम का बगान है पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। इतनी जोर का रात को आंधी तूफान आया है कि पूरा आम को झकाड़ दिया है। कल मैं आया था यहाँ पे तो आम बहुत सारे लगे हुए थे, लेकिन आज देखो बहुत सारे टूट गए हैं, लोग उठा उठा के घर लेकर के गए हैं। और ये कुछ अभी माहौल है इधर का, देखो आम सब टूट के गिरा हुआ है। ये सब अभी हमारे शहर में होता तो ये सब अचार बनाने के काम आता और चटनी बनाने के काम आता, ठीक है। इधर भी पूरा आम का पेड़ है पूरा, आपको ये मेरा नहीं है पहले बता देता हूँ, मेरा पेड़ मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है। तो पीछे से मैं बात कर रहा था, चल दो अब मैं आ जाता हूँ सामने से। तो फाइनली आप सबके सामने आपका भाई हाजिर है, जुमा मुबारक आप सबको। ये वीडियो आप थोड़ी देर के बाद शायद देख सकते हैं, 2-3 घंटे के बाद मैं एडिट कर दूंगा। नमाज पढ़ने के बाद मैं इधर आया हूँ अपने घर पे, आने के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो कल वाली वीडियो आपने देखा कि गाँव की जो यादें होती हैं ताज़ा हो गई, और आप लोगों को वीडियो दिखाया, सब कुछ दिखाया, घर दिखाया दोबारा से। और मैंने डिस्कस किया था गाड़ी का, और मैंने कहा था आम के बारे में बताऊंगा। हमारे घर में आम भी फला है इस बार अल्हम्दुलिल्लाह, तो आम की वीडियो मैं आपको दिखाता हूं आगे। पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, आम की वीडियो क्या देखोगे, ऐसे ही तो है आम नहीं देखोगे ही। चेहरा पता नहीं मेरा कैसा आ रहा, लाल पीला हरा बुलू नीला कैसा आ रहा है पता नहीं, मैं पीछे के कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको बताऊँ, हमने रोड पर बहुत सारी ब्लॉगिंग की, घर के अंदर बहुत सारा वीडियो बनाया, लेकिन जितना मजा ये पेड़ों के बीच में वीडियो बनाने में आ रहा है ना, पीछे देख रहे हो पीछे पीछे बैकग्राउंड, पहले एक कमेंट करो कैसा लग रहा है पीछे का जो बैकग्राउंड है ना भाई, लाजवाब है लाजवाब। तो मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, पता नहीं सांप वाप ना हो कहीं काट कूट ना ले। अब बात करते हैं, वैसे यहाँ पे आने के बाद ना बड़ा सुकून फील हो रहा है। मैं अपने घर के सामने वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। वो रहा मेरा घर सामने में, अभी दिखेगा आपको, ये जूम करता हूँ, ये मेरा घर है एक्चुअली। सामने में शादी हो रहा है तो उन लोगों ने पूरा भोपू लगा रखा है, पूरा मजा खराब कर दिया, तो वीडियो शूट होगा ही नहीं वहाँ पे। तो मैं कहा यहीं पे बात कर लेते हैं, ऐसा करता हूँ पहले मैं आपको अपने पेड़ का आम दिखाता हूँ, चलो आप लोग आम देख लो, इसके बाद मैं मिलता हूँ यहीं पे बैठे बैठे, ठीक है जाओ। तो ये रहा अपना आम का पेड़, एक पेड़ ये है, 1 2 3 4 पेड़ है, 5 पेड़ लगाया था उन्होंने, तो एक पेड़ जो है वहाँ पर देखो सड़ गया है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो आम, ये देखिए आम कितना अच्छा आम लगा है, पता नहीं कौन कौन सा आम है मेरे को तो नहीं पता, ये देखो पूरा लगा हुआ है अच्छा खासा लगा हुआ है, 40 40 50 50 पीस सब में लगा हुआ है, पहली बार इससे पहले वाले में नहीं लगा हुआ था आम। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है, आम 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 देख रहे हो भाई साहब। इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ देखो, ये देखिए आम 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 आम। इधर देखो, इधर भी लगा है, ये देख रहे हो इधर भी है पूरा, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है यार नहीं पेड़ में। इधर देखो आप लोग देख करके, तो आप लोग भी आम तोड़ के खाते थे क्या चुरा चुरा करके, बताना कमेंट करके तो बताना। ये देखो आम, ये देखो आम, और एक पेड़ जो है यहाँ पे सड़ गया, ये वाला ना पेड़ जो है आम का सड़ गया, पता नहीं क्यों सड़ गया अच्छा खासा, जबकि ये खड़ा है देखो पत्ता सब सूख गया इसका, आम का पेड़ था ये भी। तो फाइनली डिस्कस करते हैं गाड़ी का। तो कल मैंने वीडियो में कहा आप लोगों को कि कौन सी गाड़ी लूँ, क्या करूँ नहीं करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग सजेशन दे सकते हो।
तो सबसे पहले आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट आए, बहुत अच्छा लगा। तो मैं अभी आपके सामने ही वो कमेंट पढ़ने की कोशिश करूंगा। वैसे बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किया, जावेद भाई ऐसा कीजिए 350 ले लीजिए रॉयल एनफील्ड का, या फिर बजाज की डोमिनार ले लीजिए, या फिर आप निंजा ले लीजिए, अपाची ले लीजिए, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी का नाम कहा लोगों ने। बट चलो अच्छी बात है आप लोगों का कि आप लोग इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, और आपको जो मैं बोलता हूँ पूछता हूँ आप लोग बताते हो। नवाब भाई ने लिखा हार्ले डेविडसन ले लो जावेद भाई। एक भाई ने लिखा है भाई बुलेट छोड़ो पल्सर ले लो 180। ठीक है, एक भाई ने लिखा है भाई 350 ले लो। एक भाई ने लिखा है भाई आप जो है ना डोमिनार ले लो। तो देखते हैं क्या है नहीं है, अभी बहुत सारा कमेंट है, ऐसे क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो कहूंगा कि हाँ गाड़ी तो लेनी है, तो इस वीडियो के बाद शायद गाड़ी की ही वीडियो आ जाए न्यू स्पेशली। तो देखते हैं, गाड़ी का प्लान चल रहा है मेरा, दो ऑप्शन आ रहा है, एक है KTM 390 एडवेंचर और एक है डोमिनार। डोमिनार हो गया या 390 हो गया, इससे आप बहुत दूर दूर तक सफर कर सकते हो। तो डोमिनार और KTM को लेकर मैं थोड़ा कन्फ्यूज्ड हूँ, कौन सी गाड़ी लूँ, क्या करूँ नहीं करूँ। अब गाड़ी अभी लेने का रीज़न ये है कि अगर मैं अभी गाड़ी ले लेता हूँ तो मेरा जो नंबर है गाड़ी का, एक महीने नंबर तो तुरंत आ जाएगा, एक हफ्ते के अंदर नंबर आ जाएगा। मैं अभी हूँ यहीं पर, लेके छोड़ देता हूँ गाड़ी को, और एक महीने के बाद होते होते तक लगभग मेरा RC आ जाएगा मेरे घर पे। तो ये मेरा एक थोड़ा हेल्प हो जाएगा कि चलो अगले महीने तक या अगले इससे बाद में अगर आता हूँ तो मेरा RC वगैरह आके तैयार रहेगा, गाड़ी का मेरे को RC का चक्कर नहीं रहेगा, और यही चक्कर से मैं शायद उस टाइम पे बच जाऊँ। तो KTM या डोमिनार, अभी दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करके आप लोग बताओ, KTM या डोमिनार। ठीक है, KTM जो है बजाज वालों के साथ मिलकर गाड़ी बेचते हैं, और डोमिनार तो बजाज का है ही, डोमिनार 400, ठीक है ना, कि 250। KTM 390 एडवेंचर और 400, आप लोग भी सर्च करो। अब बताओ कौन सी गाड़ी ले, किसका सर्विस चार्ज कम लगता है, किसका सर्विस ज़्यादा लगता है, किसका सामान सस्ता है, किसका सामान महंगा है, ये सब चीज़ें आप सर्च करके बताओ, क्योंकि आपका भाई सर्च करके बैठा हुआ है। इस वीडियो के बाद मैं कमेंट नोटिस करूंगा आप लोगों का कि कौन सा कमेंट करते हो, देखता हूं आप लोगों का जज सही होता है या नहीं होता। अगर आप डोमिनार बोलते हो या KTM बोलते हो, स्टार्टिंग में देखता हूं आप लोग क्या बोलते हो, KTM या डोमिनार कौन सी गाड़ी लूं, बताओ फटाफट कमेंट करके। तो देखते कमेंट भर दो, KTM लूं या डोमिनार लूं, कौन सी गाड़ी लूं, आप लोग बताओ। अभी थंबनेल पे भी यही लिखा रहेगा, KTM लूं या डोमिनार लूं, कौन सी गाड़ी लूं। तो देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग का शुक्रिया बोलना चाहूँगा फिर से कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है, और अपने घर पे मैं यहाँ पे आके तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 मतलब अच्छा फील करता हूँ। और गांव तो है ही, ठीक है ना। तो आप लोगों ने आम की वीडियो देखी, दिखा दी आपको थोड़ा मोड़ा आम लगा हुआ है। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मेरी जो कार है उसका नाम मेरा नाम हो चुका है, ठीक है, मेरा नाम कार हो चुका है मेरा नाम, और RC भी आजकल में वो दिल्ली में पहुँच जाएगा, दिल्ली के एड्रेस पे। तो ये छोटी सी वीडियो आप लोगों से बातचीत किया हूँ, और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, मैं कहा भाग के नमाज़ पढ़ के यहीं नमाज़ पढ़ा, इसके इधर ही आके बैठ के आराम से। इधर का मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा मौसम है, मेरी तरफ ना गर्मी बहुत है, यहाँ पर रिलैक्स हो जाता हूँ 3-4 घंटे आकर के, और वीडियो वीडियो बना लेता हूँ, न्यूज़ की वीडियो बना लेता हूँ, तो प्रॉपर तरीके से एक अच्छा से बन जाता है। देख रहे हो शोर शराबा कितना हो रहा है, बड़ा मतलब कि मेरा ना कान एकदम सुन हो गया यहाँ पे। तो कमेंट करो फटाफट कौन सी गाड़ी लूँ, क्या लूँ नहीं लूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, हो सकता छोटी सी वीडियो हो, अब आप लोग कमेंट करो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।